जय हिंद साथियों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में साथियों आज की जो यह वीडियो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो इंडियन एयरफोर्स की नई भर्ती है जो कि अग्निवीर के तहत यहां पर रिक्रूट किया जाएगा तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें आपकी एज लिमिट इस बार कितनी रखी गई है इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं यानी कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन और क्या इसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं या फिर नहीं देन उसके बाद इसमें पहले फिजिकल होगा या फिर इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होगा इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें एन सर्टिफिकेट वालों को कितना बेनिफिट दिया जाएगा और क्या बोनस मार्क्स दिए जाएंगे क्या आप टेंथ के बाद इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं और इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है इसके एग्जाम से रिलेटेड इसके सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी आपके सभी सवाल हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे तो साथियों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं तो चलिए साथियों बिना समय वेस्ट करे हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो साथियों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर इसमें सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूँ कि इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो आपकी 17 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक रहने वाली है और जो इसके एग्ज़ाम की डेट है वो रहेगी आपकी 20 मई 2023 यानी कि 20 मई 2023 तक आपका इसका एग्ज़ाम होगा तो ये आपका इसका एग्ज़ाम की तैयारी भी इसमें करनी होगी साथ ही अब यदि हम बात करें इसमें अगली डिटेल्स की कि इस भर्ती के बारे में और यहाँ पर क्या डिटेल्स दी गई हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपका होगा ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पर जो कि एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि अग्निपथ वायु डॉट सी डी ए सी डॉट इन पर आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर आप इसके डिटेल देख सकते हैं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म को आप किस तरह से भर सकते हैं इसके बाद यदि मैं बात करूँ इसमें एज लिमिट की यानी कि उम्र सीमा इसमें आपकी कितनी होनी चाहिए तो इसमें जो आपकी उम्र सीमा है यानी कि आपका डेट ऑफ़ बर्थ है वो आपके 26 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जून 2006 के बीच होने चाहिए यानी कि आपके जो डेट ऑफ़ बर्थ है वो इस डेट के बीच की होनी चाहिए तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे तो साथियों ये आपकी एज इसमें क्लियर हो गई होगी कि कौन से कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अब यदि हम बात करें कि इसमें मैराइडल स्टेटस क्या होना चाहिए यानी कि क्या मैरिड कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को भर सकते हैं या फिर नहीं तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यह भर्ती जो है वो केवल अनमेरिड कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है चाहे आप मेल हो या फीमेल हो आपको केवल अनमेरिड होना होगा मेरिड कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते इसके बाद यदि हम बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशनस हैं जैसे कि सबसे पहले इसमें क्वालिफिकेशन है वो आपके ट्वेल्थ पास की यानी कि आपने इंटरमीडिएट पास की हुई होनी चाहिए और इसमें एक और कंडीशन है कि जो आपकी ट्वेल्थ पास है उसमें आपके पास मैथमेटिक्स फिज़िक्स एंड इंग्लिश ये तीन सब्जेक्ट होने चाहिए तभी आप इसके फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर योग्य माने जाएंगे आपके पास ट्वेल्थ पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके ट्वेल्थ में ये सभी सब्जेक्ट होने चाहिए मैथमेटिक्स फ़िजिक्स एंड इंग्लिश। तो साथियों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो है कि आपके पास तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि आपका इंजीनियरिंग ट्रेड का होना होगा यानी कि उसमें चाहे आप मैकेनिकल से हों इलेक्ट्रिकल से हों इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल कंप्यूटर साइंस या किसी भी ट्रेड का आपका इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है और वो कम से कम तीन साल का होना चाहिए तो भी आप इसके फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं इसके बाद जो इसमें अगली क्वालिफिकेशन है अगली योग्यता है वह आपकी दो साल का आपके यहाँ पर वोकेशनल कोर्स आपको क्या हुआ होना चाहिए जो आपका फ़िज़िक्स या फिर मैथमेटिक्स में होना चाहिए यदि आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन कर रखी है आपने पास कर रखी है तो साथ ही आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं अब यदि हम बात करें इसमें अदर यानी कि विदाउट साइंस के कैंडिडेट्स की तो यदि आपके पास ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स नहीं थी और आप भी इसके फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपके पास ट्वेल्थ पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके फिफ्टी परसेंट मिनिमम मार्क्स होने चाहिए फिर चाहे आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो कोई सा भी स्ट्रीम हो उस वो कोई मैटर नहीं करता लेकिन आपके कम से कम पचास परसेंट नंबर इंग्लिश में और टोटल आपके पचास नंबर होने चाहिए तभी आप इसके फॉर्म को यहाँ पर भरने के लिए योग्य माने जाएंगे तो ये आपको क्वालिफिकेशन मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर करा दी है इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अब यदि हम बात करें इसमें मेडिकल के स्टैंडर्ड्स की तो इसमें जो आपका मेडिकल में सबसे पहले हाइट देखी जाएगी आपके जो हाइट है मेल कैंडिडेट की वो होनी चाहिए वन सेंटीमीटर यानी कि एक सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए पुरुष की और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए यानी कि मेल और फीमेल की जो हाइट है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि हिल एरिए से बिलोंग करते हैं तो फीमेल्स की जो हाइट है वो यहाँ पर मानी जाएगी 147 सेंटीमीटर आपकी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल्स की तो यहाँ पर आपको ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि आपकी इतनी हाइट यहाँ पर होनी चाहिए लेकिन अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं नॉर्मल रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो कम से कम एक ही मांगी जाएगी तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है और इसके बाद हम बात करें वेट की तो जो आपका वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए यानी कि मिनिमम फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव के जी आपका वेट होना चाहिए इससे ऊपर ही आपका वज़न यहाँ पर होना चाहिए इसके बाद बात करें हम चेस्ट की तो मेल और फीमेल की चेस्ट में से यहाँ पर कम से कम पाँच सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आना चाहिए चाहे आप मेल हो या फीमेल हो आपके जो चेस्ट में फुलाव है वो पाँच सेंटीमीटर का कम से कम होना चाहिए इसके बाद आपके हीयरिंग डेंटल और इस तरह के काफ़ी मेडिकल स्टैंडर्ड्स चेक किए जाएंगे इसमें जो सबसे मेन है वो है आपका विजुअल का मेडिकल यानी कि आपकी आइज़ चेक की जाएंगी आपके जो आइज़ है वो सिक्स बाई ट्वेल्व की होनी चाहिए या सिक्स बाय सिक्स की होनी चाहिए तो इस तरह से काफ़ी क्राइटेरिया रहता है उसके लिए हमने आपको अलग से वीडियो में बताया है जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यानी कि हमने अपने चैनल पर इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाई हुई है इसमें जो आगे डिटेल्स आपके लिए दी गई हैं वो है आपकी टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि इसके फॉर्म को भरने से पहले आपको इसकी टर्म्स और कंडीशन को पढ़ना होगा इसमें सबसे मेन जो है वो बात यह है कि आपको केवल इसमें चार साल के लिए भर्ती किया जाएगा चार साल के बाद आपको सेवेंटी फाइव परसेंट कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा और ट्वेंटी फाइव परसेंट कैंडिडेट्स को इसमें परमानेंट कर दिया जाएगा तो इस तरह से आपका ये अग्निवीर की भर्ती रहने वाली है यानी कि अग्निवीर में वायु सेना में आपको भर्ती किया जाएगा जो कि आपकी चार साल की रहने वाली है और इससे रिलेटेड सभी आपके टर्म्स एंड कंडीशन साइन करा ली जाएंगी तो आप इसके कंडीशंस को पहले ही समझ लें इसके बाद यदि मैं बात करूँ इसमें सैलरी की तो इसकी जो सैलरी है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में कितनी सैलरी दी जाएगी और आफ्टर फोर ईयर के बाद आपको कितने रुपए दिए जाएंगे जब आप रिटायरमेंट के लिए जाएंगे तो साथियों इस तरह से आप इसका कंप्लीट क्राइटेरिया और कंप्लीट इसकी सैलरी पैकेज भी देख सकते हैं अब यदि मैं बात करूँ इसमें अदर डिटेल्स की जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें सबसे पहले आपको इसके फॉर्म को अप्लाई करना होगा फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसके बाद जब आप इसके फॉर्म को भर देंगे तो सबसे पहले आपका इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट यानी कि कंप्यूटर पर आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपके चार सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि जनरल नॉलेज जनरल साइंस रीजनिंग और मैथमेटिक्स इन चार सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको यहाँ पर 60 मिनट दिए जाएंगे तो आपको 60 मिनट में अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना होगा और इसके अलावा अगर आप बिना साइंस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश एंड जी इंक्लूड हो जाएगी तो आपको इंग्लिश एंड जी जो कि आप रागा यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का आपको एग्ज़ाम देना होगा तो इस तरह से आपका इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है इसके एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि इसके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट और कितना इसका एग्जाम पैटर्न रहता है तो उसके लिए आप हमारी आने वाली नई वीडियोस भी देख सकते हैं साथियों ये तो हो होगा इसके कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसका सिलेक्शन प्रोसेस इसके बाद जो भी इसके एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे देन उसके बाद उन्हें इसमें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा फ़िजिकल में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसके फिजिकल में केवल आपसे पुशअप्स सिटप्स और स्क्वेड्स लगाने को बोला जाएगा जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको दस पुशअप्स लगाने होंगे दस सिटअप्स लगाने होंगे और बीस आपको स्क्वेड्स लगाने होंगे इसी तरह से फीमेल्स को भी दस सेटअप्स और दस स्क्वाड्स लगाने होंगे तो ये आपका मेल और फीमेल दोनों का ही इसमें फ़िज़िकल यहाँ पर कराया जाएगा देन उसके बाद आपका मेडिकल और इसके बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी अगर आपका नाम उस फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा तो साथ ही आपको यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन मिल जाएगा और आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर बुला लिया जाएगा तो साथियों इस तरह से आपका ये कंप्लीट इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इंडियन एयरफोर्स में तो अगर आपका सपना है कि आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करें आप इसमें भर्ती हों तो साथियों इसके फॉर्म को ज़रूर भरें आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो साथियों इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो या क्वेरी हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम आपको कंप्लीट इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करा देंगे तो चलिए साथियों आज की वीडियो में केवल इतना ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद